स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं और जिसमें कि एक क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित वीडियोस दे रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की, तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं। बीच बीच में मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाए, साथ ही साथ मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स वगैरह सभी चीजें पढ़ाई, और बीच बीच में मैं उनकी वीडियोस और आपको देता रहूंगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि एक वीडियो, दो वीडियो, चार वीडियो में हो जाए। लंबा प्रोसेस है और लंबी वीडियोस है। तो लिटरेचर की मैं जब बात करता हूं, तो लिटरेचर में मैंने आपको कई पोर्शन दिए हैं और फिलहाल मैं आपको लगातार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं, खासतौर से अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट और साथ ही साथ यूपीपीएससी का लेक्चररशिप जो एग्जाम के फॉर्म भरे हैं उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोज लगातार दे रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको लगातार जो क्रमबद्ध तरीके से जो एजेस हैं, डेट बाय डेट जो उनमें प्रमुख राइटर्स हैं उनसे आपका परिचय कराते हुए लगातार वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि हम लोग न्यू क्लासिकल एज में आ गए हैं। न्यू क्लासिकल एज में सबसे पहले मैंने वीडियो दिया आपको रिस्टोरेशन पीरियड का, 1660 से लेकर 1700, 1660 से लेकर 1700 तक। उसके बाद मैंने आपको एक अगला वीडियो दिया ऑगस्टन एज का, ऑगस्टन पीरियड, या जिसको हम कहते हैं एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या जॉर्जियन पीरियड। इसका मैंने कल पार्ट फर्स्ट आपको दिया था, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑगस्टन एज का ही पार्ट सेकंड। क्योंकि मैंने आपको कहा कि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, शायद आपको भी पढ़ने में बोरियत हो जाती होगी, बोरनेस होती होगी। हालांकि बोरनेस होनी नहीं चाहिए जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पर चैनल्स की, और मेरा ये चैनल जो है, मैं जिस चैनल से आपकी बात कर रहा हूं दृश्य सक्सेस एकेडमी, ये आपका एक कंप्लीट पैकेज चैनल है जिसमें आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो भी, और आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि मैं आपको ग्रामर भी पूरा पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लिटरेचर भी पूरा पढ़ा रहा हूं, और जैसे ही हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो मैं परिचय आपको लगातार दे रहा हूं, जैसे ही मैं समाप्त करूंगा, उसके बाद आपको जो यूपीपीएससी का सिलेबस है जिसमें उसमें जितने भी आपके राइटर्स हैं 64 से लेकर और वर्तमान यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज तक, सभी राइटर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे और वीडियोज में आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑगस्टन पीरियड की, और ये हमारा पार्ट सेकेंड में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको हम अलेक्जेंडर, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं, जॉर्जियन पीरियड भी कहते हैं और ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए डाला है द ऑगस्टन पीरियड पार्ट टू, 1700 टू 1745। कल मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी ऑगस्टन पीरियड की, और हमारे दो प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव जो राइटर्स हैं ऑगस्टन पीरियड के, उसके बारे में मैंने आपको परिचय कराया था। पहले मैंने बताए थे अलेक्जेंडर पोप और दूसरा मैंने बताया था जोनाथन स्विफ्ट। मैंने कल आपको इसमें समझाया था कि अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी साहित्य में एक नई विधा की, एक नए प्रकार की लेखनी की, तो नए प्रकार की लेखनी लेकर आए थे हमारे दो राइटर्स, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। ये दो लेखक ऐसे थे जिन्होंने की सैटायरिक राइटिंग की, यानी कि व्यंगात्मक लेखनी की। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सैटायर इन्होंने किया, सैटायर ऑफ मैनरिज्म इन्होंने किया, यानी कि व्यंगात्मक शैली का अगर हम कहें तो एक पहचान दिलाने के लिए इन दो राइटर्स की हम बात कर सकते हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर पोप रहे हो और चाहे वो आपके जोनाथन स्विफ्ट रहे हो। जब हम अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक क्लासिकल लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी ने आरंभ किया तो वो अलेक्जेंडर पोप है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अलेक्जेंडर पोप को फॉलो किया और लगभग 40 वर्षों तक, 45 ईयर्स
एलेक्जेंडर पोप एक डोमिनेटिंग राइटर रहे, इन्होंने सैटायर किया, इन्होंने नए प्रकार की कविता लिखी। कल मैंने आपको एक परिचय कराया था इनके द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग पोएम का, जिसको हम लोग कहते हैं द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक हमारी, मैंने कहा था, मोक एपिक है। यह पहला अंग्रेजी साहित्य में लेखक ऐसा था जिसने कि एपिक राइटिंग को भी मोक बना दिया। कल मैंने समझाया था इसमें, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एपिक का मतलब होता है सीरियस लिटरेचर और मोक का मतलब होता है आपका कॉमिक। अब ये सोचिए ये कितना नया एक एक्सपेरिमेंट था कि एपिक राइटिंग को भी इस बंदे ने कैसा बना दिया, हंसी मजाक वाला कॉमिक बना दिया। इसलिए तो इसका नाम रखा गया मोक एपिक। जब हम जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं तो जोनाथन स्विफ्ट अंग्रेजी साहित्य में इनसे बड़ा सैटायरिस्ट कोई नहीं हुआ। सबसे बड़े व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं जोनाथन स्विफ्ट। इनके द्वारा लिखा गया गुलिवर्स ट्रेवल्स, कल मैंने आप पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका परिचय दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज गुलिवर्स ट्रेवल्स। सबने पढ़ा है, सबने सुना है। अलग अलग जगह पर गुलिवर जाता है, अलग अलग देशों की यात्रा करता है, अलग अलग द्वीपों पर जाता है। कहीं वहां व्यक्ति इतने छोटे मिलते हैं जो कि उसके शूज के बराबर नहीं है, कहीं लोग इतने बड़े मिलते हैं जिनके गुलिवर हमारा शूज के बराबर नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की कहानियां गुलिवर ट्रेवल्स में हमने पढ़ी है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखे गए गुलिवर ट्रेवल्स में। साथ ही साथ मैंने कल इनके बारे में बताया था कि ये एक कैथेड्रल है हमारा फ्रांस में, जिस कैथेड्रल का नाम है हमारा सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, जो कि डबलिन में पड़ता है। उसके ये डीन रहे हैं, इसलिए इनको डीन, इसलिए जोनाथन स्विफ्ट को डीन स्विफ्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाए कि बेस्ट राइटर इज कॉल्ड डीन स्विफ्ट, द आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट। अब उसके बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताने का प्रयास करता हूं। क्योंकि अब हम लोग 1700 से 1745 की बात करते हैं तो ये हमारी सेंचुरी कौन सी हुई, 18 सेंचुरी। अगर हम 18 सेंचुरी की बात करें तो 18 सेंचुरी दो कारणों से अंग्रेजी साहित्य में बहुत फेमस है, दो क्या बल्कि आप तीन कह सकते हैं। एक तो सैटायरिस्टिक पोइट्री, यानी कि व्यंगात्मक कविता के लिए, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल के लिए। इस एज 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में एक नई विधा आरंभ हुई, नया जेनर जिसने कि अपने आप में एक एस्टेब्लिशमेंट हासिल की, एक पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं एक स्थापित हासिल करने का कार्य किया, तो वो है हमारा फिक्शन राइटिंग यानी कि नॉवेल राइटिंग। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, जो आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, वो 18 सेंचुरी में मैगजीन राइटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग का आरंभ होता है हमारे ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, जो शब्द आप यूज करना चाहें उसमें। 18वीं शताब्दी वह शताब्दी है जिसमें कि मैगजीन राइटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग का अस्तित्व आरंभ हुआ। आज जब हम कहते हैं कि आवर डेज इज नॉट स्टार्ट विदाउट न्यूज़पेपर, आवर टी Does not give taste without newspaper. The starting of newspaper and the magazine is from 18th century from England. यानी कि अगर newspaper writing की हम बात करें, हम magazine writing की बात करें, तो इसका आरंभ होता है 18वीं शताब्दी में। कहां से? England से। और आज के इस वीडियो में, जो कि मैं आपको सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं ऑगस्टन पीरियड का, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें मैं दो महत्वपूर्ण राइटर्स की बात करूंगा जिन्होंने मैगजीन राइटिंग को एक पहचान दिलाने का कार्य किया अंग्रेजी साहित्य में, या हम कहें इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश सोसाइटी में, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और ये टॉपिक जो है हमारा। और सबसे पहले हम राइटर की बात करते हैं जोसेफ एडिसन, जिस बंदे ने ग्रेजुएशन किया है, जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और जो स्टूडेंट्स हमारे जो कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की,
उन सब में ये राइटर आता है जोसेफ एडिसन। तो हम लोग चर्चा करते हैं जोसेफ एडिसन की। अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इफ एनीबडी आस्क इन एनी एग्जाम कि इन विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जोसेफ एडिसन इज बिलोंग टू, देन द आंसर इज ऑगस्टन पीरियड। द आंसर इज ऑगस्टन पीरियड। अब जोसेफ एडिसन की जब हम बात करते हैं, इनका जो बॉर्न है वो 1672 एंड द डेथ इज 1719। अगर मैं आपको बात करूं अंग्रेजी साहित्य की, तो ये आप कह सकते हैं बड़ी आयरनी है इंग्लिश लिटरेचर के साथ। कुछ राइटर्स को यदि हम छोड़ दें तो अंग्रेजी साहित्य में वे राइटर्स जिन्होंने कि अंग्रेजी साहित्य को इतना वर्ल्ड लिटरेचर बनाने का काम किया, इतनी प्रसिद्धि दिलाई, उन राइटर्स का लाइफ स्पान जो है बड़ा कम रहा है ऐसा। जैसे कि हम लोग जोसेफ एडिसन की बात करते हैं, मात्र 1672 और 1719, 1672 से 1719 या 1672 में इनका जन्म और 1719 में डेथ, यानी 28 प्लस 19 कितना हुआ आपका सर? आप पूछोगे सर अब तो सर उसकी बात करने लगे मैथ की, मात्र 47 इयर्स का इस बंदे का लाइफ स्पान है। कितना? 47 इयर्स। लेकिन इस बंदे ने अंग्रेजी साहित्य को नई विधाएं देने का कार्य किया, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया। अगर हम उनकी बात करें तो ये एक एसेस्ट है जो इनकी मूल रूप से पहचान है, साथ ही साथ ये प्ले राइट भी है, यानी कि इन्होंने प्लेस भी लिखे, और साथ और ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेस्ट के रूप में। जैसा कि मैंने बताया कि 18 सेंचुरी जो है इसमें एक नई विधा आरंभ हुई, वो है आपका मैगजीन राइटिंग और न्यूज़पेपर राइटिंग। और इसके जो फाउंडर है, जो जिन्होंने इसको आरंभ किया, उसमें सबसे बड़े नामों में से एक नाम आता है जोसेफ एडिसन का। जब हम एसेज पढ़ते हैं, एसेज राइटिंग पढ़ते हैं, तो एसेज के कई रूप होते हैं। उन एसेज के रूपों में एक एसेज का टाइप आता है पीरियोडिकल एसे। कौन सा आता है? पीरियोडिकल एसेज। इसका नाम पीरियोडिकल एसे इसलिए पड़ा क्योंकि हम जानते हैं मैगजीन और एसेज जो है, कई ऐसे होते हैं जो कि डेली पब्लिश होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि वीकली होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि आपके मंथली होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि ईयरली होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि वह निश्चित समय पर छपते हैं, अगर वीकली है तो वीकली छपेगा, डेली है तो डेली छपेगा, मंथली है तो निश्चित मंथ की एक डेट पर छपेगा, ईयरली है तो निश्चित ईयरली पर छपेगा। तो चूंकि वो निश्चित समय पर छपते हैं, उनके बीच का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, इसलिए इसको पीरियोडिकल कहा जाता है। तो पीरियोडिकल एसेज के फाउंडर में से एक राइटर है हमारे जोसेफ एडिसन साहब। जोसेफ एडिसन ने एक मैगजीन जो है जिसका नाम है कॉबली पेपर्स, उसका आरंभ किया। उसके बाद द गार्जियन, द स्पेक्टेटर, द टैटलर, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण काय के नाम है आप मैगजीन्स के नाम, जो कि कैसे थे? पीरियोडिकल थे, अपने निश्चित समय पर छपा करते थे। और अगर हम जोसेफ एडिसन साहब की बात करें तो उनका नाम जो है वो आमतौर पर उनके लंबे समय तक रहे दोस्त फ्रेंड रिचर्ड स्टील के साथ जोड़ा जाता है। थर्ड नंबर पर मैंने जोसेफ एडिसन लिखा है तो फिफ्थ नंबर पर रिचर्ड स्टील भी लिखा है। इनका नाम जो है किसके साथ जोड़ा जाता है? रिचर्ड स्टील साहब के साथ। और इन्होंने इनके साथ एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है द स्पेक्टेटर। क्या नाम है? द स्पेक्टेटर। किसने निकाली? जोसेफ एडिसन साहब ने और रिचर्ड स्टील दोनों ने मिलकर। अब इसमें था क्या वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। यह अगर हम द स्पेक्टेटर की बात करें तो 1711, यहां मैंने डेट भी डाली है द स्पेक्टेटर के सामने रिचर्ड स्टील के साथ, तो 1711 में इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ और ये एक डेली मैगजीन हुआ करती थी जिसको कि आप को फाउंडर के रूप में जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील को जानते हैं। और मैं इसको कहूं तो
इसके टोटल मिलाकर 555 एडिशन छपे। कितने छपे? 555, यानी कि 555 द स्पेक्टेटर के जो आप कह सकते हैं एडिशन हुए, ठीक है ना। और किसके साथ हुए? रिचर्ड स्टील साहब के साथ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं द गार्जियन, द स्पेक्टेटर, द टेटलर, ये सब किसके नाम है? इनके मैगजीन्स के, जिनमें की लगातार अंतराल के बाद जोसेफ एडिसन साहब के ऐसे छपा करते थे। जब हम जोसेफ एडिसन साहब की बात करते हैं तो जोसेफ एडिसन ने इस दुनिया को एक कैरेक्टर दिया और उस कैरेक्टर का नाम है हमारा सर रोजर। क्या नाम है? सर रोजर। अंग्रेजी साहित्य में अगर किसी एसेस्ट को सबसे पहले सोशियल रिफॉर्मर की संज्ञा दी गई या आप कह सकते हैं सोशियल रिफॉर्मर का तमगा दिया गया तो वो है हमारे जोसेफ एडिसन साहब। इन्होंने एक करेक्टर क्रिएट किया जिसका नाम है सर रोजर। अब सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट होम, सर रोजर एट लंडन, सर रोजर एट ब्लेज, न जाने ऐसे कितने इन्होंने एसेज लिखे जिसमें इन्होंने एक करेक्टर क्रिएट किया जिसका नाम है सर रोजर। मैं बहुत ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। जब जोसेफ एडिसन को मैं अकेला एक ऐसे राइटर समझाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने एक आइडियल करेक्टर दिया जोसेफ एडिसन, और एक ऐसा करेक्टर दिया जिससे कि लोग प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इनके बारे में बातें। उसके बाद इन्होंने एक ट्रेजिक प्ले भी लिखा, क्योंकि मैंने इनका आपको परिचय कराया प्ले राइट के रूप में भी। तो कैटो नामक इनका एक प्ले है जो कि 1712 में पब्लिश हुआ, ये एक ट्रेजिक प्ले है। उसके बाद एक और इनका प्ले है जिसका नाम है द ड्रमर, जो कि 1716 में आया, ठीक। तो ये है हमारे जोसेफ एडिसन, ठीक है ना। अब हमारे दूसरे राइटर आते हैं डैनियल डिफो। क्या नाम आता है इनका? डैनियल डिफो। बर्थ क्या है इनकी? 1660। डेथ क्या है? 1731। और क्या है ये? मुख्य रूप से इंग्लिश नॉवलिस्ट। क्या है ये? इंग्लिश नॉवलिस्ट। जैसा कि अभी मैंने कहा 18th सेंचुरी इज नोन फॉर मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, फिक्शन राइटिंग, यानी कि आपका नॉवेल राइटिंग के लिए जाना जाता है। तो डैनियल डिफो क्या है? इंग्लिश नॉवलिस्ट है। अगर हम डैनियल डिफो की बात करें तो इनका नाम वास्तविकता में था डैनियल फॉ। क्या नाम है इनका? डैनियल फॉ। फेमस किस नाम से हुए? डैनियल डिफो। नाम क्या है? डैनियल फॉ। और किस नाम से प्रसिद्ध हुए? डैनियल डिफो। बर्थ 1660, डेथ 1731। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये एक इंग्लिश राइटर है साहब, पैम्पलेट राइटर है, नॉवलिस्ट भी है। और यदि मैं बात करूं तो इनका एक सिंगल प्ले, अगर सिंगल नॉवेल की बात करें जिसने इनको इंग्लिश लिटरेचर में एक इमॉर्टल स्थान दिया, तो उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज। क्या नाम है? रॉबिन्सन क्रूज। पब्लिकेशन कब है? 1719 से लेकर 1722 तक, 1790 से लेकर 1722 तक रॉबिन्सन क्रूज के लिए इनको पहचाना जाता है। और अगर मैं कहूं कि ब्रिटेन में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए विच राइटर इज रेस्पॉन्सिबल टू गेव द पॉपुलैरिटी ऑफ इंग्लिश नॉवेल इन ब्रिटेन, द आंसर इज डैनियल डिफो। ये वो राइटर है जिसने कि ब्रिटेन में इंग्लिश नॉवेल को, फिक्शन राइटिंग को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया, और अपने सबसे प्रमुख नॉवेल के द्वारा जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज, 1719 से लेकर 1722 तक। और इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण नॉवेल दूसरा आता है जिसका नाम है मॉल फ्लैंडर्स। क्या नाम आता है? मॉल फ्लैंडर्स, जिसका पब्लिकेशन कब है? 1722 में। तो ये हमारे हुए डैनियल डिफो साहब, क्लियर है ना। आप ध्यान रखिए यहां मैं वीडियोस के माध्यम से आपको सिर्फ इन राइटर्स से आपका परिचय करा रहा हूं,
मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जब मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा तो एक एक राइटर के बारे में चार चार छह छह वीडियोस भी दूंगा, वो भी आपको कम पड़ेंगे और वो भी लॉन्ग वीडियोस में दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने जितना मैं इनकी बात करूं उतना शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूं रिचर्ड स्टील की। तो भैया जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील, आप ये समझ के चलिए हमारे हिंदी में जब दोस्ती बहुत अच्छी होती ना तो उसको एक संज्ञा दी जाती है, उन्हें धर्मवीर की जोड़ी, मूवी आई थी ना धर्मवीर, तो धर्मवीर की जोड़ी से उसकी तुलना की जाती है। तो अंग्रेजी साहित्य में जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील की जोड़ी भी क्या है, धर्मवीर की जोड़ी है। क्या थी? पहली बात तो यह है इनका जन्म आयरलैंड में हुआ, तो ये इरिश कहे गए, ठीक है ना, आयरलैंड स्कॉटलैंड ठीक है ना और इंग्लैंड, तीनों एक ही थे एक समय, ठीक, अलग अलग स्टेट जरूर थे लेकिन माने गए तीनों एक, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस एक थे ना, इंडिया और पाकिस्तान खास तौर से ले लीजिए, और आज जो हमारा बांग्लादेश है, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश कम से कम ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस एक ही थे। ऐसे ही इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों क्या थे, एक थे। तो रिचर्ड स्टील साहब का जन्म आयरलैंड में हुआ इसलिए इनको इरिश राइटर कहा जाता है। प्ले राइट थे साहब, पॉलिटिशियन भी थे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैंने लिखी नहीं, क्या थे, एसेस थे। क्या थे साहब? एसेस थे। किसके संबंधी थे? जोसेफ एडिशन के। क्या आरंभ किया? द स्पेक्टेटर। किसके साथ मिलकर? जोसेफ एडिशन के साहब। कब आरंभ हुआ? 1711 में, 1711 में, ठीक। कितनी कॉपी छपी? 555, अभी मैंने आपको बताया था 555। दूसरा इनकी मुख्य काम द टेंडर हस्बैंड, कब पब्लिश हुआ? 1703 में। रिचर्ड स्टील के बारे में एक और एनुअल लिखा जिसको हम कहते हैं द स्पेक्टेटर हो गया, उसके बाद है द स्पेक्टेटर क्लब, क्या आया? द स्पेक्टेटर क्लब भी इनके द्वारा, जो मैगजीन का नाम है और इसमें कई ऐसे छपे हैं तो इसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब। तो भैया ये रिचर्ड स्टील के बारे में बात हो गई। तो ऐसे कई मतलब ये महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके बारे में मुझे जोसेफ एडिशन के बारे में पूरे वीडियोस देने पड़ेंगे, डेनियल डिफो के बारे में देने पड़ेंगे, रिचर्ड स्टील के बारे में देने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा आपको नहीं ले जा सकता। तो फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्लीज इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको लगातार बोला था कि ये जो हमारा जो ऑगस्टन पीरियड है, ये जो अलेक्जेंडर पोप है, या तीसरा नाम मैंने दिया था जॉर्जियन पीरियड जो है, यह जब तक मैं एक बात इसमें ना कर लूं तब तक ये पीरियड हमारा समाप्त नहीं हो सकता, और वो है नोबेल राइटिंग की बात। अभी मैंने आपको बताया कि 18 सेंचुरी का आरंभ जो है वो आपका जाना जाता है मैगजीन राइटिंग के लिए, न्यूज़पेपर राइटिंग के लिए, पीरियोडिकल्स के लिए, और उसके लिए मैंने आपको दो सबसे महत्वपूर्ण जो पीरियोडिकल राइटर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। एक है आपके रिचर्ड स्टील, सॉरी जोसेफ एडिशन पहले, उसके बाद उनके साथी और मित्र रिचर्ड स्टील साहब, ठीक। मैंने द स्पेक्टेटर, रैम्बलर और जो उनकी और पत्रिकाएं हैं अभी उनके बारे में डिस्कस किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से अगर इस एज की जब हम बात करते हैं, इस पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो एक फ्रेज यूज किया जाता है अंग्रेजी साहित्य में। भाई देखो अंग्रेजी साहित्य में कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा। आप कह सकते हैं इसको पूछा जा सकता है हु इज फर्स्ट, कई प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे इसमें जिसमें कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पूछा जाएगा कि पहला कौन, या ये फ्रेज जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ राइटर्स के नाम होंगे, कुछ लेखनी के बातें होंगी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन इसमें एक फ्रेज यूज किया जाता है जब हम 18th सेंचुरी और खासतौर से ऑगस्टन पीरियड की बात करते हैं,
तो वो है आपका फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। कहीं आपको लिखेगा फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, कहीं लिखा मिलेगा फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, बात दोनों एक ही है, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल या फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन। क्या हुआ इसमें कुल मिलाकर आपके व्हील्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर व्हील्स का मतलब होता है पहिया। आप यही तो बोलेंगे व्हील्स का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर पहिया। अच्छा, पहिए का काम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पहिए का काम क्या होता है, तो पहिए का काम होता है मूव फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ाना। भाई पहिया जो है, हम लोग जब छोटे होते हैं तो एक छोटी सी गाड़ी लकड़ी की पकड़ाई जाती है, जब चल नहीं पाता बच्चा, थोड़ा सा चलना आरंभ होता है, तो उसको एक त्रिभुजाकार तीन उसकी एक गाड़ी पकड़ा दी जाती है, जिसका सहारा लेकर बच्चा आगे बढ़ता है। उसके बाद साइकिल सीखता है, दो पहिए होते हैं आगे बढ़ने के लिए, बाइक आती है, स्कूटी आती है आगे बढ़ने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए। तो इस फ्रेज का नाम है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल या फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन, यानी कि इसमें टोटल मिलाकर हमारे चार ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने की इंग्लिश नॉवेल या हम जिसको कह सकते हैं इंग्लिश फिक्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं जो इस जो सेकंड पार्ट दे रहा हूं आपको ऑगस्टन पीरियड का, इसमें मैंने खास तौर से आपको इसीलिए ये वीडियो दिया जिसमें कि मैं आपको दो चीजों से परिचय करा सकूं आपका, एक तो मैगजीन राइटिंग न्यूज़पेपर राइटिंग से आपका जो कि किस प्रकार से आरंभ हुई, उसको किसने बढ़ाया, पीरियोडिकल राइटिंग और पीरियोडिकल एसेज से आपका परिचय करा सकूं, और दूसरा फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन या फोर व्हील्स ऑफ नॉवल जो है हमारे इंग्लिश राइटिंग में, उनसे मैं आपका परिचय करा सकूं। वे ऐसे कौन कौन से चार राइटर्स हैं, कौन से ऐसे चार नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने फिक्शन राइटिंग को या नॉवेल राइटिंग को अंग्रेजी साहित्य में एक जेनर के रूप में पहचान दिलाने का कार्य किया, साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाने का भी कार्य किया, और चूंकि इन्होंने इसको आगे बढ़ाया इसलिए इनको फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन, व्हील शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फोर व्हील्स ऑफ नॉवल इंग्लिश नॉवल या फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा गया। ठीक है साहब, तो हम इनका पहला परिचय आपको कराते हैं और नाम है इनका सैमुअल रिचर्डसन। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा इन चारों राइटर्स के बारे में, जो मैंने चार राइटर्स लिखे हैं अलग अलग आपको चार वीडियोस दूंगा। तो पहला नाम आता है सैमुअल रिचर्डसन, बर्थ है इनकी 1689 और डेथ है इनकी 1761। 1689 में इनका जन्म, 1761 में इनकी डेथ। और ये अपने कुल मिलाकर दो नॉवेल अगर मैं बात करूं जो मैंने प्रमुख रूप से लिखे हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक का नाम है पामेला। क्या नाम है साहब? पामेला। और दूसरे का नाम है क्लैरिसा या द हिस्ट्री ऑफ ए लेडी। क्या नाम है? क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए लेडी। अच्छा यार, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस और कर लेते हैं। अगर हम 18 सेंचुरी से पहले की बात करें तो ड्रामा राइटिंग मोस्ट डोमिनेटिंग फॉर्म हुआ करती थी अंग्रेजी साहित्य में, और 18 सेंचुरी के बाद ड्रामा राइटिंग जो है उसका आप कहें कि डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हुआ, और फिक्शन राइटिंग जो है, नॉवेल राइटिंग जो है, उसका एसेंडिंग ऑर्डर आरंभ हुआ। अगर आपसे कोई पूछ बैठे ऐसे डिस्कस करने के लिए तो आप क्या बताएंगे? तो साहब आप ये बताना कि इंग्लिश सोसाइटी में पहले सिर्फ लोअर क्लास और हायर क्लास हुआ करता था, मिडिल क्लास नहीं था साहब। 18 सेंचुरी आते आते एक नए क्लास की स्टार्टिंग हुई इंग्लिश लिटरेचर में, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर कहना गलत है, इंग्लिश सोसाइटी में, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास में उन बंदों को रखा गया जो कि अच्छा खाते थे, अच्छा कमाते थे और एक डिसेंट लाइफ जीते थे,
लेकिन ना तो वो राजा हुआ करते थे ना मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो ऐसे भी नहीं थे कि हैंड टू माउथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उनको एक नया समाज दिया गया, एक नई सोसाइटी का नाम दिया गया, वो था मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के लोग जो लोग थे वो भैया बड़े हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, पूरी दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना और अपनी लाइफ और अपने फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से चलाना। तो उनके पास इतना टाइम थोड़ा सा कम था कि भाई भैया किसी थिएटर में जाए और थिएटर में जाकर एक ड्रामा को देखें, तो टाइम थोड़ा सा कम था। अंग्रेजी साहित्य के जो लेखक थे उन्होंने इस बात का को समझा और एक नई विधा आरंभ की, वो थी नॉवेल राइटिंग। ड्रामा जो होता है वो एक्शन के रूप में लिखा जाता है, इन फॉर्म ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन दिखाया जाता है स्टेज पर, जबकि नॉवेल जो है वो क्या है, नैरेटिव आर्ट है जिसमें नैरेशन किया जाता है। आप बुक को ला सकते हैं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिडिल क्लास चूंकि इंग्लैंड में आरंभ हुआ, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ और मिडिल क्लास की एंटरटेनमेंट की पूर्ति के लिए नॉवेल राइटिंग जो है वो आगे बढ़े, जिनको कि इन चार राइटर्स ने बखूबी पहचाना और इन चार राइटर्स ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसलिए इनको फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन कहा जाता है। ठीक है साहब, तो पहले राइटर मैंने आपको समझा दिए, सैमुअल रिचर्डसन 1689-1761, इनके द्वारा लिखे गए दो नॉवेल्स प्रमुख रूप से हैं, पामेला और क्लैरिसा, और क्लैरिसा का दूसरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ अ लेडी। उसके बाद आते हैं हमारे हेनरी फील्डिंग साहब, बर्थ है 1707, डेथ है 1754। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेज लिखा है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ बैठे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, द आंसर इज हेनरी फील्डिंग। यानी कि अंग्रेजी साहित्य में नॉवेल राइटर का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, द आंसर इज हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है साहब। क्यों कहा जाता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मात्र एक लाइन में बताऊंगा क्योंकि वीडियो हमारा लगातार बड़ा हो रहा है, और वो ये है कि ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने की इंग्लिश नॉवेल की राइटिंग टेक्निक को प्रोपाउंड करने का कार्य किया था, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने पहली बार, ये ऐसे पहले लेखक हुए जिन्होंने कि हमें यह समझाने का प्रयास किया कि साहब नॉवेल कैसे लिखी जाती है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे करेक्टर्स आपको यूज करने चाहिए, कैसे सिचुएशन आपको यूज करनी चाहिए, कैसे डायलॉग्स आपको उसमें यूज करने चाहिए, किस प्रकार के कैरेक्टर्स आपको रखने चाहिए। तो हम कह सकते हैं प्रोफाउंड द थ्योरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इस कारण से हेनरी फील्डिंग को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। और इनके प्रमुख जो दो नॉवेल्स हैं जिनको हम सबने पढ़ा है साहब, जिनका नाम है जोसेफ एंड्रयूज एक, और दूसरा है हमारा टॉम जोन्स। जब आप एमए इन इंग्लिश करते हैं लिटरेचर तो साहब आपको टॉम जोन्स पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है, टॉम जोन्स, किसके द्वारा लिखा गया, हेनरी फील्डिंग के द्वारा। दूसरी इनकी पहचान क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तीसरे हमारे आते हैं लेखक टॉबियस स्मॉलैंड, टॉबियस स्मॉलैंड, बर्थ इनका क्या है 1721, डेथ इनकी क्या है 1771। और इनको हम दो इनके नॉवेल से याद करते हैं, पहला है द एडवेंचर ऑफ रॉडरिक रैंडम, पहला क्या है द एडवेंचर ऑफ रॉडरिक रैंडम, और दूसरे इनके नॉवेल का नाम है द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर। क्या नाम है, द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर। तो टॉबियस स्मॉलैंड जिनका जन्म 1721 में हुआ, जिनकी डेथ 1771 में हुई, और ये अपने दो नॉवेल्स के कारण फेमस हुए, नाम है द एडवेंचर ऑफ रॉडरिक रैंडम और दूसरा है द एक्सपेक्टेशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर। ये आपके तीसरे इस फोर व्हील्स ऑफ फिक्शन में हुए। और चौथे हमारे आते हैं लॉरेंस स्टर्ने, चौथा नाम क्या है, लॉरेंस स्टर्ने, बर्थ कब है इनकी भाई 1713 में, डेथ कब है भाई 1768 में, 1731-1768। और इनको हम जानते हैं इनके दो नॉवेल के कारण,
पहला है आपका द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टरैम सैंडे। पहले नॉवल का नाम क्या है? द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टरैम सैंडे। और दूसरा क्या है? ए सेंटिमेंटल जर्नी। क्या नाम है? ए सेंटिमेंटल जर्नी। तो लॉरेंस स्टडी का जानते हैं, जाने जाते हैं, इनका बर्थ कब है? 1713 में। डेथ कब है? 1768 में। और अपने ये दो नॉवेल्स के कारण फेमस हुए, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टरैम सैंडे और ए सेंटिमेंटल जर्नी। तो भाई आज के इस नॉवेल में, सॉरी आज के इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको द ऑगस्टन पीरियड पार्ट टू के रूप में दिया 1700 से 1745, इसमें जो प्रमुख लेखक है उसके बारे में मैंने आपको परिचय कराया, जो उस समय प्रमुख जो राइटिंग में शैली परिवर्तित हुई उनके से आपका परिचय कराया, चाहे वो पीरियोडिकल राइटिंग हो, पीरियोडिकल एसेज हो आपके, चाहे आपके फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स हो, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन हो, उनसे आपका मैंने परिचय कराया। मैं सब यूज कर रहा हूं, परिचय कराया, मैंने इनके बारे में कोई आपको विशेष डिटेल नहीं दी है, क्योंकि डिटेल मैं आपको अलग अलग एक एक राइटर का अलग अलग वीडियोस दूंगा। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा फुल कंप्लीट जो इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, चाहे वो एज अ लैंग्वेज एज अ लिटरेचर, वो पूरा मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, जैसे आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, और अधिक मेरे चैनल को फैलाने का कार्य कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए और नई नई चीजें मुझसे सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।